हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फिटर टॉपिक स्टडी। आज आपको बताने जा रहे हैं कुछ विशेष बात जो कुछ लोग कह रहे थे कि सर नोटिस नहीं आ पाया, डीजीटी के साइट पे कोई नोटिस नहीं है कि सर फिर से जो है जितने बच्चे डिस्क्वालीफाई हुए हैं उनके लिए रिमार्क का ऑप्शन खुला हुआ है या वो अपने साक्ष फिर से दे सकते हैं। तो यह जो है नोटिस आ चुका है, इसके लिए आप निश्चित होता है। लेकिन कुछ खास है इस नोटिस में, कुछ खास क्या है भैया? तो इस नोटिस में बीटीएससी बोलते हैं, कुछ लोग सोचते हैं एस नहीं बोलते हैं, सर ऐसी बात नहीं है, ऐसा मत सोचा कीजिए आप लोग। बीटीएससी की तरफ से इस नोटिस में कुछ चीजों को क्लियर किया गया है, जो बच्चों के अंधकार में रखा गया था उन चीजों को क्लियर किया गया है। जैसे क्यों आखिरकार डिस्क्वालीफाई क्यों किया जा रहा है बच्चों को, आखिरकार क्यों डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं बच्चे, क्या उनका आईटीआई के मार्कशीट पे फाइनल मार्कशीट पे जो है सर्टिफिकेट पे सिग्नेचर ना होना, डेट ना होना, या वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें हैं। जब होता नहीं है कि घर में चोरी हो जाता है तो बहुत लोगों पर शक होता है, ठीक उसी तरह अपने जीवन में भी हो गया है। इस बीटीएससी पे ऊपर बहुत सारे चीजें हैं, हमारे किस मार्कशीट के कारण हम छठे क्यों डिस्क्वालीफाई किया गया हमें ये मालूम ही नहीं चल पाया है, जिस कारण से हम बहुत सारे चीजों को सोच लेते हैं कि ये हो गया होगा, वो हो गया होगा, ये गलती किया हमने, वो गलती किया, या बीटीसी विभाग बिक चुकी है, बहुत सारे चीजों को हम लोग सोच लेते हैं। तो इन चीजों पर आज हम बात करने वाले हैं आपसे कि आखिरकार क्या बताया गया है बीटीएससी की तरफ से, आखिरकार क्यों डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है विद्यार्थियों को। तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्या वो रीजन सही है या रीजन गलत, थोड़ा इनको भी चीज को हम समझेंगे। और किस वेबसाइट पे आपको जो है फिर से आपको रिमार्क करना है या फिर से आपको अपलोड करना है अपना सर्टिफिकेट, ये भी ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए, हमको बीटीएससी के साइट पर जाइएगा, लेटेस्ट अगर आप नहीं जानते डाउनलोड करना तो लेटेस्ट अपडेट में जाइएगा, लेटेस्ट अपडेट में जाइएगा ना, तो देखिए यहाँ जो है एक नोटिस खुल के आ रहा है, ठीक है ना, यहाँ एक नोटिस खुल के आ रहा है जो आज के डेट में डाउनलोड किया गया है 15/7/2024। किस डेट का है? 15/7/2024 का जो है अपलोड किया गया है। नोटिफिकेशन संख्या की बात की जाए तो 07/2023 टू 36/2023, ठीक है ना, 36/2023 जो है मतलब आईटीआई वाले छात्रों के लिए डाउनलोड किया गया। अब कुछ भी डिग्री डिप्लोमा छात्र है, मैं उन्हें भी बता देना चाहूंगा कि डिग्री डिप्लोमा छात्र आप परेशान नहीं हुआ, आपके लिए भी मैं प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। आप इसमें अपॉर्चुनिटी आपको पहले ही नहीं, इसको दुखित मत समझे, इसे अच्छा समझे कि आपका अभी जो है स्क्रूटिनी नहीं हुआ है, आपका वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। इन लोगों से सीखिए, इनमें जो जो कमियां होगी, जो जो दिक्कतें आएंगी, विभाग उसको सुधार करेगी, तो वो उसका बेनिफिट कहीं ना कहीं आपको मिलेगा, जितने भी मेरे डिग्री डिप्लोमा वाले छात्र हैं, मित्र हैं। तो अब देखेंगे आगे, देखिएगा आगे इस नोटिस को डाउनलोड कर लीजिएगा आप। नोटिस में लिखा क्या है ध्यान पूर्वक देखिएगा आप सभी, ये आज का नोटिस है, यहाँ देख सकते हैं कॉर्नर में लिखा हुआ है 15/7/2024। कितना लिखा हुआ है भैया? 15/7/2024 आज का डेट आपको दिख रहा होगा, ये आज का डेट आपको दिख रहा होगा। किसकी तरफ से जारी किया गया है? बिहार तकनीकी सेवा आयोग पटना, ठीक है ना, पटना आवश्यक सूचना। सूचना क्या है भैया? सूचना की बात की जाए तो विज्ञापन संख्या 07/2023 मतलब 36/23, ये तो आपको याद ही हो गया, आईटीआई अनुदेशक के विभिन्न पदों के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था। विज्ञापन संख्या 15/2023 और 20/2023 और 21/2023 और 25/2023 एवं को छोड़कर, मतलब इतने ट्रेडों का अभी तक स्क्रूटिनी नहीं हुआ है। इसमें भी आपको मालूम नहीं होगा, ये जो इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चे हैं ना, बाद वाला जो जारी हुआ है नोटिफिकेशन उसको छोड़ के, तो आप देखिएगा यहाँ पे फिर से आपको बता दे, यहाँ थोड़ा आप कंफ्यूज कीजिएगा, कहने का अर्थ है उन छात्रों के लिए नहीं है जिनका विज्ञापन संख्या 15/2023, 20/7/2023, 21/2023 और 25/2023, 29/2023 और 30/2023 को छोड़कर, मतलब इनके अंदर जिनका भी वेरिफिकेशन हुआ है और वेरिफिकेशन हो रहा है डॉक्यूमेंट में, उनके बीच जो बच्चे डिस्क्वालीफाई है उनके लिए है। अब आगे आके देखिएगा, लिखा गया है कि श्रम संसाधन विभाग बिहार पटना के अंतर्गत निर्देशन नियोजन एवं प्रशिक्षण पक्ष,
बिहार पटना के अधीनस्थ विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में व्यवसाय अनुदेशक के रिक्त पदों पर आईटीआई योग्यताधारी अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या तो आपको मालूम है, अंतर्गत पत्रांक संख्या 366 दिनांक देखिएगा, यहाँ पर दिनांक 20/6/2024 के आलोक में प्राप्त आपत्तियों के निष्पादन के निष्प्रांत निष्पादन के निष्पादनोपरांत विज्ञापन वार दिनांक 12/7/2024 से 18/7/2024 तक दो पालियों में दस्तावेज सत्यापन कार्य बिहार तकनीकी सेवा आयोग 19 पता दिया गया है ये पूरा। तो अब देखिए आपको यहाँ बताया गया है कि मतलब 12/7/2024 से लेके 8/7/2024 तक आपको मालूम है कि दो पालियों में जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराया गया था, लेकिन अभी भी जो है बहुत छात्र ऐसे थे, बहुत छात्र मैंने भी इसके पहले वीडियो बनाया था और विभाग कहीं ना कहीं जागी और फिर हमारे वीडियो का प्रभाव पड़ा, ऐसा बात नहीं है कि नहीं पड़ा, तो फिर जो है विभाग इस पे निर्णय लिया होगा तो जो है फिर से ये वेबसाइट ओपन हुआ है। तो चीजें आप देख सकते हैं कि उसमें भी बच्चे जो है कट ऑफ से अधिक थे लेकिन उनका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नाम नहीं था, तो ऐसे बच्चे बहुत सारे हमें भी कॉल किए, विभाग में भी गए, तो इसका असर दिखा, वीडियो का भी असर दिखा, बहुत हमने भी बहुत जोर तोर से उन चीजों को दिखाया था जिसका असर आपको देखने को मिला, ये नोटिस जारी हुआ। तो आप देख सकते हैं सर गलती होगा तो गलती करने में हमें डर नहीं लगता, हमें चाहे जो हो जाए ठीक है ना। अब देखिए कहा गया है उन बच्चे जो क्वालिफाई, वो समझ रहे हैं कि हम क्वालिफाई है फिर भी हमारे मेरिट में नाम नहीं आया तो क्यों नहीं आया, उनको एक और मौका दिया गया है कि आप अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। देखिए आयोग कर्तव्य फिर आयोग डिस्क्वालिफाइड अभ्यर्थी द्वारा ईमेल परिवाद पत्र के द्वारा योग्यता से संबंधित साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु एक अंतिम अवसर, मतलब क्या है आप जो कह रहे हैं वो बात को फिर से आपको साबित करना होगा, ये अंतिम मौका है का अनुरोध किया गया है। उक्त के आलोक से संबंधित केवल आयोग डिस्क्वालिफाइड, आयोग डिस्क्वालिफाइड, आयोग जो है संबंधित केवल आयोग डिस्क्वालिफाइड, डिस्क्वालिफाइड कुछ बच्चे कहेंगे कि क्या सभी क्वालिफाइड नॉन क्वालिफाइड, नहीं स्कोर कार्ड, स्कोर कार्ड वाले नहीं है ये स्क्रूटनी वाले डिस्क्वालिफाइड है उनके लिए है, ये ध्यान से सुनिए। अभ्यर्थियों को एक अंतिम अवसर देते हुए उनसे संबंधित साक्ष्य प्रस्तुत करने हैं तो दिनांक 16/7/2024 से 18/7/2024 को 6 PM तक आयोग के वेबसाइट पर लॉगिन कर अभ्यर्थी अपना साक्ष्य अपलोड करने का मौका दिया जाता है। सुनिए इसमें आपको जो है अब सोचिएगा कि मेल कर दे, मेल को नहीं सुना जाएगा, आगे लिखा भी गया है कि मेल को नहीं सुना जाएगा, इसके लिए आपको करना क्या होगा, देखिएगा इसके लिए आपको करना क्या होगा कि एप्लीकेशन नंबर के साथ आयोग के वेबसाइट पर www.btscbihar.gov.in अथवा इस लिंक पर जाके, ये लिंक अवेलेबल कराया गया है, पर संबंधित साक्ष्य अपलोड करने हेतु डाला गया है ना, संबंधित आयोग डिस्क्वालिफाइड अभ्यर्थी अपना एप्लीकेशन नंबर, मोबाइल नंबर एवं जन्म तिथि डालकर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, कहने का अर्थ है इसको अगर पूरा पढ़ा जाए तो बहुत टाइम लगेगा, अगर कोई लोग मेल करना चाहे तो इस वेबसाइट पर मेल भी कर सकते हैं, उनका लेकिन आपको वेबसाइट पर मेल नहीं करना, फिर से जिस तरह से आपने स्कूटनी में रिमार्क था उसका जवाब दिया था फिर से वो खुलेगा और फिर से आप चाहे तो डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, लेकिन अब ये लास्ट मौका है, फिर मत कहिएगा कि सर बीटीएससी गलती कर रहे हैं ठीक है ना, इन चीजों का आपको समझना होगा है ना, इन चीजों का आपको समझना होगा। आगे बढ़ेंगे, अब देखिए कुछ यहाँ चीजें क्लियर की गई है, अब क्या करते हैं छात्र कि अपने से दिमाग लगा देते हैं, मेल करना शुरू करते हैं, किसी अफसर को फोन करना शुरू करते हैं, किसी यूट्यूबर को फोन कर, यूट्यूबर वगैरह क्या कर सकता है आपको कुछ जानकारी ही दे पाएंगे, अगर किसी के बॉस में नौकरी देना रहता, अगर मेरे बॉस में देना रहता तो सबको लिख देते जाइए भैया सब ले लीजिए,
सब ले लीजिए, पूरा लोग बेरोजगार काहे रहेगा, सब ले लीजिए एकदम, सबके जिसके ब्याह शादी नहीं हुआ एकदम मौत चढ़ जाए आपकी लगन में, हम तो यही चाहते हैं। लेकिन हमारे बस का हो तब, किसी अफसर के बस के हो तब ना, लेकिन जो जो काम जिस हिसाब से करना है उसी हिसाब से कीजिएगा तभी सही होगा। मतलब कहने का अर्थ है, आप बेवजह मेल करने से अच्छा है अपना जो है उस पर स्कूटनी की तरह गिर। देखिए इसमें किया गया है, उक्त ऑनलाइन आयोग से संबंधित साक्ष्य के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम तथा देखिए साक्ष्य के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम तथा ईमेल, निबंधित डाक, कुरियर आदि से प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। कहने का अर्थ है आप ज्यादा दिमाग लगाइएगा तो आप फेल कर दीजिएगा, ठीक, कोई कुरियर मैसेज वगैरह नहीं करना है, ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ विज्ञापन के कंडिका 1-2 में वर्णित, टू में अनुभव मतलब लेटर था, अनुभव का मतलब आपका एक्सपीरियंस का है, वर्णित अनिवार्य अनुभव के अंतर्गत संबंधित उद्योग में कार्यरत नहीं होने। अब इसमें थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अनुभव में ही सबसे ज्यादा लोग छाटे गए हैं, अंतर्गत संबंधित उद्योग में कार्यरत नहीं होने अथवा संगत तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत नहीं होने अथवा संबंधित उद्योग के सरकार से उद्योग के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं होने के कारण वैसे अनुभव प्रमाण पत्र को अमान्य किया गया। अमान्य कैसे किया गया है, जो लोग इंस्ट्रक्टर की तैयारी कर रहे हैं इंस्ट्रक्टर से रिलेटेड चीजों में वर्क एक्सपीरियंस नहीं दिए हैं तो उनको जो है अमान्य कर दिया गया है। आईटीआई से जो एक्सपीरियंस बनाया गया है उसको जो है पूरा मान्य किया गया है, जो कंपनी से कोई दुकान से या किसी और वर्क का किया है तो उनको जो है अमान्य किया, मतलब शिक्षक से रिलेटेड नहीं था तो उसे अमान्य कर दिया गया है, या मान्यता प्राप्त सरकार के उससे नहीं था। तो अब देखिए कुछ पॉइंटों को लिखा, अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त, अब देखिए अभ्यर्थी क्या क्या अपलोड कर रहे हैं, हाँ, उनको क्यों साक्ष्य नहीं माना जा रहा। अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत संबंधित उद्योग, देखिएगा प्रस्तुत संबंधित उद्योग स्थान को सरकार से उद्योग के रूप में मान्यता प्राप्त होने के साक्ष्य के रूप में निम्न साक्ष्यों को मान्य नहीं किया जाएगा। अब सोचिएगा कि सरकार से मान्यता, आपको लग रहा है आप काम किए हैं लेकिन आपको तो लग रहा है कि वो मान्यता प्राप्त है लेकिन वो मान्यता प्राप्त नहीं है, मान्यता प्राप्त नहीं है। तो देखिएगा अगर आप वो सोच रहे हैं कि आप मान्यता प्राप्त हैं और सरकार को यह मान्यता प्राप्त नहीं है, तो कुछ लोग कह रहे थे कि सर जीएसटी का डाउनलोड कर दे। तो देखिएगा यहाँ पर पहला पॉइंट पूरा सुनिएगा समझिएगा फिर फोन मत कीजिएगा। जीएसटी निबंधन को उद्योग के रूप में मान्यता होने का प्रमाण नहीं माना जाएगा। अब क्या हो रहा है, नया पे कोई भी दुकान वगैरह खुला है ना तो वो जीएसटी ले रहा है, सोच रहा है हम प्रमाणित होगा, और आप काम कर रहे हैं आपको तो मालूम नहीं है, जीएसटी लेटर पे बना के दे दिया, आप बहुत खुश है कि जीएसटी मान्य है जीएसटी मान्य है, तो वो जीएसटी वाला मान्य नहीं है। अब देखिएगा आगे दो नंबर देखिएगा, बिहार शॉप एवं एस्टेब्लिशमेंट है एक्ट के अंतर्गत निबंधन को उद्योग के रूप में मान्य नहीं है। मतलब कोई कारखाना वगैरह खोलना होता है ना बिहार में, कोई अगर लोकल कंपनी वगैरह खोलना है या कारखाना वगैरह खोलना होता है तो उसके लिए निबंध करता है, किससे करता है, सरकार से निबंधन लेता है उस कंपनी के लिए, तो वो भी मान्य नहीं है, छोटा मोटा कार्य तो वो भी मान्य नहीं है। अब देखें यहाँ पर संवेदक लाइसेंस मतलब लाइसेंस लेके कोई काम कर रहा है, जैसे अभी समझाएंगे आपको, लाइसेंस कॉन्ट्रेक्टर लाइसेंस के अंतर्गत निबंधन के उद्योग के रूप में मान्यता होने का प्रमाण नहीं मान्य होगा। मतलब अगर वो कंपनी कॉन्ट्रेक्ट वगैरह से चला रही है तो वो भी मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थियों को ईपीएफओ कटौती के विवरणी को अभ्यर्थी के संस्थान को उद्योग के रूप में सरकार से मान्यता होने का प्रमाण पत्र नहीं मान्य होगा। कहने का अर्थ है कि आपका पीएफ वगैरह कटना है तो ये मत सोच लीजिएगा कि हम जो है गवर्नमेंट में है और मतलब हमारा मान्यता प्राप्त है भारत सरकार से। या अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि यहाँ एक चीज लिखा हुआ है कॉन्ट्रेक्ट लाइसेंस या लाइसेंस। मान लीजिए आज के डेट में जितने भी काम हो रही है, चाहे रेलवे का काम हो या कोई भी कंस्ट्रक्शन, कोई भी हमारे फैक्ट्री वगैरह में वर्कर रखे जा रहे हैं, तो डायरेक्ट अब कंपनी कहाँ रखती है, डायरेक्ट कोई कंपनी अब रखती है क्या, नहीं रखती है। तो आपको जो है वो कॉन्ट्रेक्टर ही रखते हैं, कौन रखता है, कॉन्ट्रेक्टर ही रखता है, तो वो कॉन्ट्रेक्टर ही आपको तो बना के दे दिया एक्सपीरियंस। आप तो सोचे कि हम कंपनी में काम कर रहे हैं टाटा में है, आप पता चला कि एक्सपीरियंस माने नहीं,
या टाटा की ही बात नहीं करें, कोई सारी ऐसी कंपनियों में जो आप जो है कॉन्ट्रेक्टर के थ्रू गए थे, कॉन्ट्रेक्टर अपने पैर पे लिख के दे दिया लेकिन अब आपका मान्य नहीं है। तो ये जो है ये कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो एक तरह से ना इंसाफी भी है, क्योंकि अगर सभी जगह आज के डेट में कॉन्ट्रेक्ट थ्रू ही काम हो रहा है तो बच्चे आखिर काम किसके अंडर में करेंगे? गवर्नमेंट रिप्लाई रहते तो आपके यहाँ फॉर्म भरने क्यों आते, आपके यहाँ एग्जाम देने क्यों आते, उनको नौकरी की ललक क्यों होती? इन सभी चीजों को थोड़ा अच्छा है। इससे तो कई अच्छा है वो लोग है जो प्राइवेट आईटीआई से एक्सपीरियंस बनवा लिए, ना कभी पढ़ाने गए ना उनका डीजीटी पे नाम है, तो इससे तो कई अच्छा वही हुए। तो विभाग को इस पे भी संज्ञान लेना चाहिए कि उनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अच्छी तरह से करना चाहिए। कहीं ना कहीं वही ना अच्छे हैं जो कभी पढ़ाने नहीं गए और उसका एक्सपीरियंस मान्य भी हो रहा है, गए 1500-1000 रुपया, कोई तो सुनने में आया कोई मित्र तो ऐसे ऐसे भी कहते हैं कि सर हम तो मुर्गे खिया दिए बना दिए, ऐसे भी डायरेक्टर हैं क्या? आप भी जानते हैं आईटीआई से जुड़े, अब इसके बारे में हम ज्यादा क्या कहेंगे, तो वही लोग ज्यादा मान्य हो जा रहे हैं। तो बीटीएससी को इस पर भी ध्यान देना चाहिए। लिस्ट जारी हुआ तो कहीं ना कहीं पता चल गया हमें कि किस कारण से बच्चे जो है डिस्क्वालीफाई हो रहे थे, विद्यार्थी जो है डिस्क्वालीफाई हो रहे थे। शायद अब आप भी समझ चुके होंगे, आप भी समझ चुके होंगे कि अब केस मानने में मान्य नहीं है। तो थोड़ा सा इन पर, और मैं बीटीएससी अगर इस वीडियो को देख रही है, बीटीएससी के विभाग के अधिकारी कहीं अगर इस वीडियो को देख पाते हैं तो उनसे मैं यही कहना चाहूंगा कि कम से कम जो बच्चे डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं उनको एक प्रॉपर मैसेज दे दिया जाए कि आपको इस कारण से जो है डिस्क्वालीफाई होगा, अन्यथा वो अंधेर नगरी में रहेंगे, कुछ समझ नहीं पाएंगे। हो सके आपके खिलाफ बीटीएससी के खिलाफ वो बच्चे केस करें, और जाहिर बात है उनके हक की बात है, अगर वो बहुत दिनों से इसके प्रति प्रयासरत है तो वो तो आपके लिए जो है आरटीआई मांगेंगे, आप विभाग के प्रति आप भी परेशान होइएगा, विभाग भी परेशान होगा, आरटीआई मांगेंगे बच्चे या बहुत सारे चीजें हैं, या अपने हक के लिए केस ही करें कि हाँ हमारा कैसे आपने डिस्क्वालीफाई है क्या। तो मैं चाहूंगा कि बीटीएससी विभाग इनको क्लियर करते चले कि हाँ इस कारण से आपको जो है बाहर निकाला गया, आप मेरिट में थे लेकिन आप इस कारण से बाहर निकाला गया। जैसे आपने उस समय बताया था स्कूटनी के समय कि आप जो है लेकिन जो है आप स्कूटनी में नीचे है इसलिए आपका स्कूटी नहीं किया, इसी तरह से इन बच्चों को भी बताया जाए कि डिस्क्वालीफाई क्यों किया जा रहा है, जिससे वो बच्चे जान पाए और बेवजह परेशान ना हो पाए। ना ही आप पे आरोप लगेगा, बीटीएससी पे आरोप लगेगा, ना ही किसी अन्य चीजों पर आरोप लगेगा। तो अगर यह जानकारी अच्छा लगा हो तो वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।